नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्विक हिंदी पर। मैं हूं अभिनव सिंह। तो राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महान शख्सियत स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। तो आज हम उनकी छोटी सी वीडियो में उनकी कहानी जानेंगे, उनकी कुछ मुख्य बातें जानेंगे। स्वामी विवेकानंद जी एक महान शख्सियत इस देश के, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। 1863 उस वक्त आप समझ सकते हो कि भारत पर अंग्रेजी हुकूमत था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी था। वो बचपन से ही बहुत तेज थे पढ़ने में, लिखने में, हर मामले में, मतलब बहुत तेज थे और एक चंचल स्वभाव के हुआ करते थे। उनके माता पिता भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और उनके पिताजी जो थे वो उच्च न्यायालय, जो कोलकाता उच्च न्यायालय, वहाँ पर वकालत करते थे। वे एक विचारक, अति उदार, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, धार्मिक मतलब व्यक्तित्व था उनका, उनके पिता का। और उनके माता भी एकदम वैसी थी, धर्म से उनका बहुत लगाव था, वेद से, शास्त्र से। उसके साथ साथ उनको, वो लोग पढ़े लिखे भी थे और इंग्लिश की बहुत ज़्यादा उनको भी नॉलेज था, उनके पिता और माता को, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत था। तो बचपन से ही जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनको भी पूरा ज्ञान होने लगा था और बहुत नॉलेज हो गया था। धर्म ग्रंथ के साथ साथ अंग्रेजी का ज्ञान भी स्वामी विवेकानंद को हो गया था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और उनको सब नरेंद्र कह के ही बुलाते थे। उनके माता पिता को इतना धर्म से जुड़ा होने की वजह से विवेकानंद भी धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़ गए थे और उनको धर्म में बहुत लगाव हो गया था, शास्त्र में, वेदों में बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। लेकिन अचानक एक दिन उनके दिमाग में आया कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। ये उनके दिमाग में चल रहा था पहले से ही कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। हम लोग इतना पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, पता नहीं भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। और उनकी माँ बहुत चंचल स्वभाव की थी, इस वजह से वो ये बोलती थी, जैसे सबकी माँ, हम सबकी माँ वैसे ये बोलती हैं कि हमने भगवान से मांगा था राम जैसा पुत्र और मिल गया हमें रावण जैसा पुत्र। ऐसे तो हम सबकी माँ बोलती हैं वैसे, तो वैसे उनकी माँ भी बोलती थी, क्योंकि वो बहुत चंचल स्वभाव के हुआ करते थे। तो एक दिन ऐसा आया जब उनके दिमाग में आया कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, तो इसका पता लगाने के लिए उनको पता चला कि रामकृष्ण परमहंस, जो कि उस वक्त बहुत विद्वान थे और वहाँ पे उनका एक मठ था, वहीं पे वो रहते थे। तो ये जान के नरेंद्र, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था, तो वहाँ पे निकल पड़े, उनके पास पहुँचे। रामकृष्ण परमहंस को देखते ही तो उन्होंने उनसे पहले, सबसे पहले यही सवाल किया था कि क्या भगवान को आपने देखा है, क्या भगवान सच में होते हैं या नहीं होते हैं। तो उन्होंने उनसे कहा था कि बिल्कुल होते हैं और हमने ऐसे ही देखा जैसे हम आप सबको देख रहे हैं, वैसे भगवान को भी हमने देखा है। तो बस उसी के बाद से उनसे उनका जुड़ाव हो गया और उनके अपने गुरु मान लिए उनको और उनके शिष्य बन गए। फिर वहीं धीरे धीरे उनके संन्यास के लिए बढ़ते गए, घर परिवार को वो छोड़ते गए और संन्यास भी ले लिया और रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु बन गए और वहीं वो रहने भी लगे। और 16 अगस्त 1886 को स्वामी जो परमहंस थे वो परलोक सिधार गए और अपनी सारा सब कुछ, सारा जो उनका शक्ति भी थी बताते हैं कि वो भी उनको दे दिया, स्वामी विवेकानंद जी को दे दिया। तो उनके मरने के बाद स्वामी विवेकानंद लगभग 5 सालों तक, 87 से लेकर 92 के बीच अज्ञातवास हो गए, कहीं चले गए, मतलब किसी को नहीं पता था वो कहाँ पर हैं। भारत भ्रमण पर निकल गए, हिमालय वगैरह। फिर बस उसी के बाद एक टाइम आया जब 1893 की बात है, जब स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया में विख्यात हो गए। क्यों विख्यात हुए? अपनी जो प्रतिभा थी उसकी वजह से हुए। शिकागो में धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था। भारत का जो संस्कृति है, जो धर्म ग्रंथ, सब कुछ अमेरिका के उस स्पीच में जब उन्होंने कहा, सब कुछ कहा, अपनी इसी स्पीच की जो शुरुआत उन्होंने की थी, मेरे अमेरिकी भाइयों बहनों, ये सुनकर वहाँ पे बहुत सारी तालियां बजी। और यही से, क्योंकि वहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी सुनते होंगे कि जब कोई इंग्लिश में स्पीच देता है तो यही कहता है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो वहाँ यही चलता था, यही सब चलता है वहाँ पे। लेकिन इन्होंने पहली बार मतलब ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका ऐसा बोला था, तो एक अलग मैसेज गया वहाँ पे। तो लोगों ने कहा कि ये है भारतीय संस्कृति। तो इस तरह से, तो उसके बाद से बहुत सारे स्वामी विवेकानंद के बहुत सारे जो फॉलोअर बढ़ गए दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे फॉलोअर, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे जिनका हम सुनते हैं, टेल्सा, बहुत सारे उस टाइम के बहुत जितने भी साइंटिस्ट थे सभी इनके
शिष्य बन गए थे। इनसे बहुत कुछ सबने सीखा। सबकी बायोग्राफी आप पढ़ोगे बहुत सारे साइंटिस्ट की, तो बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद की वजह से। टेल्सा भी बोलते हैं कि हमने तो एक दो इन्वेंट किया था, लेकिन जब विवेकानंद से हम मिले तो हमने हजारों इन्वेंट किया, हमारी ज़िंदगी ही बदल गई, हमको पता नहीं था कि ये भी खोज हो सकता है। तो विवेकानंद ने बहुत कुछ साइंस में भी योगदान दिया, और सिर्फ 39 साल की उम्र में, 39 ईयर में, 4 जुलाई 1902 को वो परलोक सिधार गए। सोच लो, सिर्फ 39 साल की उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि, अमर हो गए। इनकी कई सारी बुक्स हैं, कई सारी बातें हैं जो अमर हो चुकी हैं, जो हमेशा लोग याद करेंगे। वो कैसे मरे थे? वो एकांतवास में चले गए, जो ध्यान लिया जाता है, जो समाधि ली जाती है, उस समाधि में बैठ गए और बस बैठे ही बैठे परलोक सिधार गए। अब आप सोच सकते हो, सब उसके बाद उनका पोस्टमार्टम भी हुआ था, लेकिन सबने कहा उनकी दिमाग की नस फट गई, बस वो वहाँ पे समाधि ले लिया और खुद ब खुद इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उनकी कहानी कुछ ऐसी है, ये सच्ची कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट। बस इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है सब लोग लाइक करना, जो लोग नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं ऐसी किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।